डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर टू है हमारा। फाइव बैग्स ऑफ राइस वे 150 kg, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सम है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो टेबल बना करके डायरेक्ट वेरिएशन से, और एक इसको स्टेटमेंट से। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हमें टेबल बनानी है तो क्या करेंगे हम, उसी तरह से इस तरह से ये एक टेबल ड्रा करेंगे। ये टेबल ड्रा कर ली हमने, ये बॉक्स बना लिया रेक्टेंगुलर, और बीच में से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके थ्री इक्वल पार्ट्स कर देंगे हम, ये कर दिए। अब देखिए, फाइव बैग्स ऑफ राइस, एक तो हमें नंबर ऑफ बैग्स दिए हैं वे, और एक वेट दिया है उनका 150 kg। फाइव बैग्स ऑफ राइस वे 150 kg, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। तो इसमें हमें स्टेटमेंट को समझना है कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। भाई 150 kg वेट जो है वो फाइव बैग्स का है, तो 900 kg कितने बैग्स का वेट होगा ये हमें बताना है। नंबर ऑफ बैग्स हमें फाइंड करने हैं। तो एक तो ऊपर तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ बैग्स, और नीचे लिखेंगे वेट इन केजी। अब देखिए, फाइव बैग्स का वेट क्या है, ये फाइव बैग्स लिख लिए नंबर ऑफ बैग्स, वेट कितना है 150 kg। और नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने हैं, ये फाइंड करने हैं, और वेट कितना है 900 kg, 900 kg। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, 150 kg वेट जो है फाइव बैग्स का है, तो 900 क्या होगा, ज़्यादा का होगा। देखो, यहाँ पे वेट इंक्रीज़ हो गया, तो नंबर ऑफ बैग्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन बोलेंगे। ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट के इक्वल। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई। तो फाइव अपॉन 150 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं। तो ए अपॉन में क्या है, 900। अब इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 900 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 upon 150 into 900 इज इक्वल टू ए। अभी इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 15 1 द 15, 15 6 द 90, तो 5 6 द 30 हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। तो ये 30 बैग्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 30 बैग्स। तो इस तरह से ये हम नंबर ऑफ बैग्स फाइंड, देखो वेट के साथ साथ नंबर ऑफ बैग्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट सम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, 150 kg वेट किसके इक्वल है, कितने बैग्स में आता है, फाइव बैग्स। 1 kg वेट कितने बैग्स में आएगा, कम में आएगा ना, कम के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/5/150। और 900 kg वेट कितने बैग्स में आएगा, ज़्यादा में आएगा, तो ज़्यादा के लिए हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कैंसिल कर दो, 0 से 0, 15 1 द 15, 15 6 द 90, तो 5 6 द 30 बैग्स। तो बैग्स फाइंड करने थे तो हमने ये बैग्स फाइंड कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमने
डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई करके भी और स्टेटमेंट से भी सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, इसी में भी स्टेटमेंट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज ₹105, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। अब देखिए यहाँ पे 3 kg शुगर की कॉस्ट दी हुई है ₹105, तो 15 kg ये इंक्रीज हो गया ना, शुगर इंक्रीज हो गई तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक टेबल फॉर्म करेंगे, ऐसे ये टेबल ड्रा कर ली हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम शुगर, वेट ऑफ शुगर, इन केजी, और यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीस। तो 3 kg है, उसकी कॉस्ट क्या है, 105, और 515 kg की हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वेट जो है, कॉस्ट जो है पी है, पी रुपीस है। तो अब ये भी क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए वेट के साथ साथ उसका क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो ये हमें, हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो कर दीजिए इसको सॉल्व, क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स अपॉन वाई क्या है हमारे पास, 3/105 इज इक्वल टू 15/p। p की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, p q r a b c x y z कोई कुछ भी, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो 3 × p इज इक्वल टू 15 × 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 3 को इधर कैरी करो, 15 × 105/3, 3 से कैंसिल कर दो, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, 5 × 5, तो क्या आ गया हमारे पास, ₹525 आ गया। तो ये 15 kg शुगर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। देखो तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। अब यदि इसको हमें स्टेटमेंट अप्लाई करना है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर क्या है, 105, कॉस्ट फाइंड करनी है ना 15 kg शुगर की, तो डायरेक्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज इक्वल टू ₹105। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg की कम होगी, तो कम के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 kg की कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर फाइंड करनी है, तो 15 की ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 3 से कैंसिल करो, 3 × 3, 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹525 हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ₹525 आया डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई करके, और स्टेटमेंट अप्लाई करके भी ₹525 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट सम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स। कितना डिस्टेंस ये 7 आवर्स में कवर करेगी, एक मोटर बोट है वो 20 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर करती है, तो कितना डिस्टेंस जो है वो 7 आवर्स में कवर करेगी वो फाइंड करना है। तो स्पीड रिमेन सेम, इसमें स्पीड चेंज नहीं है, सेम है। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक टेबल ड्रा करेंगे, और
ये टेबल ड्रा कर ली हमने। एक में क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है इन किलोमीटर, और एक में टाइम इन आवर्स। तो डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर 4 आवर्स में, 20 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें 7 आवर्स में। तो ये लिख लिया, देखो ये 4 आवर्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 7 आवर्स में ज़्यादा करेगी ना, ठीक है। तो उसके लिए ये डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन का है ये क्वेश्चन, ये लिख देंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। और इसको क्या लेट कर लेंगे हम, एक्स लेट कर लो, ठीक है, डिस्टेंस को एक्स किलोमीटर। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में है तो 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 20 अपॉन 4 × 7 इज इक्वल टू एक्स। तो 4 × 4 = 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 × 7 = 35। तो ये 35 क्या आ गया हमारे पास, किलोमीटर, 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 7 आवर्स में, ज़्यादा हो गया ना। देखो 4 आवर्स में 20 किलोमीटर करता है, तो 7 आवर्स में ज़्यादा करेगी, तो ज़्यादा कितना आ गया, 35 किलोमीटर। स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, तो इसको लिखेंगे इन 4 आवर्स डिस्टेंस कवर कितना है, 20 किलोमीटर। इन 1 आवर डिस्टेंस कवर, 1 आवर में कम होगा 20/4। इन 7 आवर्स डिस्टेंस कवर 20/4 × 7, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कैंसिल कर दो, 4 × 4 = 4, 5 × 20, तो 5 × 7 क्या आ जाएगा, 35 किलोमीटर। तो इस तरह से ये 35 किलोमीटर स्टेटमेंट अप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके बता रहा हूँ, डायरेक्ट वेरिएशन से भी और स्टेटमेंट से भी। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। भाई 30 लीटर पेट्रोल में वो 210 किलोमीटर चलती है, तो 7 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी। तो 7 लीटर देखो पेट्रोल डिक्रीज हो गया, तो उसके किलोमीटर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, उसी तरह से ये एक टेबल ड्रा कर लेंगे, ये टेबल ड्रा कर ली हमने ऐसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और यहाँ पे पेट्रोल इन लीटर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 210 किलोमीटर, ये इन किलोमीटर है, और 30 लीटर्स पेट्रोल में, तो 7 लीटर पेट्रोल में वो, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, तो एक्स ये है वाई ये है, तो 210 अपॉन 30 इज इक्वल टू a/7। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 210 अपॉन 30 × 7 इज इक्वल टू a। तो कैंसिल करो ये, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, तो 7 × 7 = 49, ए की वैल्यू क्या आ गई, 49 किलोमीटर्स, ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, 7 लीटर में वो 49 किलोमीटर ट्रेवल करेगी।
30 लीटर में उसने 210 किलोमीटर ट्रैवल की, तो जब पेट्रोल कम हो गया तो वो कम किलोमीटर ट्रैवल करेगी ना, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन रहेगी, यानी पेट्रोल के साथ साथ किलोमीटर्स भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो ऐसे ही इसको स्टेटमेंट अप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना? 210 किलोमीटर। इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 1 लीटर में कम करेगी 210 बाय 30, इन 7 लीटर्स कितना करेगी? ज़्यादा करेगी 7 के लिए, 210 बाय 30 इंटू 7, तो 0 से 0, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, तो 7 7 दा क्या आ जाएगा? 49 किलोमीटर। तो ये 49 किलोमीटर आ गया, देखिए, तो इधर भी 49 किलोमीटर आया था। स्टेटमेंट अप्लाई करके भी 49 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, हम दोनों तरीके से स्टेटमेंट अप्लाई करके भी या डायरेक्ट वेरिएशन यदि हमें पता है, ठीक है, तो उससे भी हम टेबल ड्रा करके, आसान रहता है, ठीक है, तो टेबल ड्रा करके भी हम कर सकते हैं और उसको स्टेटमेंट अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, इन क्वेश्चन 6, इफ 12 वीमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन ए डे, 12 वीमेन जो है वो 15 मीटर क्लॉथ जो है बुनती है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वोवन बाय 20 वीमेन इन ए डे। नंबर ऑफ वीमेन इंक्रीज होगी तो उनका काम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मीटर जो है वीव करेंगी वो क्लॉथ, तो उसके लिए वही डायरेक्ट वेरिएशन है ये। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से ये टेबल ड्रा कर ली हमने, ये टेबल बना ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वीमेन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लॉथ इन मीटर्स, लेंथ आ जाएगी उसकी। तो देखिए 12 वीमेन है, 15 मीटर्स क्लॉथ वीव करती है, तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ हमें ये फाइंड करना है, 20 कैन बी वोवन बाय 20 वीमेन, तो 20 वीमेन जो है वो कितना क्लॉथ जो है वीव करेंगी, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वीमेन के साथ साथ उनका वर्क भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा वर्क करेंगी वो, तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे कि, तो ये क्या है, एक्स, ये वाई है और ये कांस्टेंट, तो 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू, ये भी एक्स अपॉन वाई है, तो 20 अपॉन, इसको हम क्या ले लेते हैं, मान लो ये पी ले लिया हमने, ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 इंटू पी इज इक्वल टू 20 इंटू 15, 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, पी इधर आ गया, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12। अब 4 से कैंसिल होता है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 5 जा क्या आ गया, 25। तो ये पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 मीटर्स, 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है वो 20 वीमेन जो है वेव करेंगी, तो इस तरह से फाइंड कर देंगे।
तो ऐसे ही स्टेटमेंट अप्लाई करके कर सकते हैं इसको। देखिए, 12 विमेन कैन वीव क्लोथ इज इक्वल टू 15 मीटर्स, 1 विमेन कैन वीव क्लोथ 15 बाई 12, एंड 20 विमेन कैन वीव क्लोथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 बाई 12 इंटू 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 5 5 जा 25 मीटर्स। तो 20 विमेन जो है वो 25 मीटर्स क्लोथ जो है वीव करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं हम।